सो हे गाइस, वेलकम आप सभी का हमारे चैनल टीम एग्जाम पे। आप सभी का स्वागत है टीम एग्जाम चैनल पे। देखिए, नया क्लासेस जो हमारे एक तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और कल से जो है काउंसलिंग डेट जारी हो गया है। तो जो भी कैंडिडेट जिसका नहीं हुआ उसको क्या बताऊं मैं, और जिसका हुआ है इस बार हमारे टीम एग्जाम से अच्छा खासा सिलेक्शन मिला है। जिसको भी कोर्स लेना है, कोर्स स्टार्ट होगा 1 नवंबर से, अगले साल एग्जाम होगा जल्दी। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि काउंसलिंग का नोटिस जारी हो चुका है। कल से ही आपका 18 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है। आज ही 18 तारीख है, क्योंकि बज ही गया, अभी 18 हो ही गया है। रात के 12 साढ़े 12 बजे ये वीडियो बन रहा है। देखिए, आपको गूगल पे जाना, टीएम एग्जाम गौर से देखिए, हमारा वेबसाइट है। आप टीएम एग्जाम खोलिएगा और खोल के आप एएनएम जीएनएम बीएसएन नर्सिंग जिसका भी करना चाहते हैं काउंसलिंग, आप कर सकते हैं वेरी इजिली, है ना। आपको मैं पहले दिखा दूं, आपको मैं एएनएम जीएनएम देखो या काउंसलिंग नोटिस भी आ गया, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या एएनएम जीएनएम, आप कल से ही काउंसलिंग शुरू है। कैसे शुरू है आइए दिखाते हैं। खोलते हैं हम जीएनएम को, बीएससी नर्सिंग वाले अपना बीएससी नर्सिंग वाले पोस्ट खोले और करे, ठीक है, सबका सेम है। देखिए, 18 तारीख तो आज ही है, अभी कल जो है लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, अभी तक अब एक्टिवेट नहीं हुआ, शाम के 5 बजे तक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए, काउंसलिंग नोटिस हम आपको पढ़ के सुना देते, दिखा देते, क्लिक करेंगे, ये काउंसलिंग नोटिस डाउनलोड हो रहा है, जस्ट ये हो जाएगा और मैं आपको दिखाता हूँ सारा प्रोसीड्यूर। देखिए क्या क्या डेट से क्या क्या नहीं, ये ऑफिशियली आज ही ये जारी कर दिया बोर्ड ने, है ना। देखो इसको क्या जो आ रहा है, AI, ये देखो बाबू 17 तारीख को ये जारी किया गया है। देखो नोटिस में क्या कर रहा है कि एएनएम जेएनएम जो छात्र एग्जाम दिए थे और जो बीएससी नर्सिंग के छात्र एग्जाम दिए थे, रिजल्ट दे दिया गया है। प्रथम राउंड ऑफ काउंसलिंग आपको करना है कब से, देखिए आपको, देखो यहाँ पे आपको रिजल्ट, आपको पर्सनल रिजल्ट भी दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे, हमें उसके लिए बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो अपना अपना खुद का जो पर्सनल रिजल्ट होता है ना, और ओएमआर सीट भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो ना तो आपको ओएमआर सीट देखना, आपको बस रिजल्ट को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। रिजल्ट सेल्फ रिजल्ट मतलब आपका खुद का, वो तो आप पूरा लिस्ट देखे होंगे, है ना। तो वो बोला आपको कल तक जारी हो जाएगा, धीरे धीरे वो भी बोर्ड कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड भी तो जल्दी में है ना। देखिए काउंसलिंग का डेट क्या, ध्यान से देखिए, चाहे एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग के छात्र हो, चाहे जिसकी भी छात्र को हो, आप देख लो, सभी के लिए एक ही डेट है। देखो बाबू लोग यहाँ गौर से देखो, ये डेट जो मेंशन किया कराया गया है, इंपॉर्टेंट डेट्स है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड अगर लगेगा अगर तो वो करना पड़ेगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ेगा। ये आपको कब करना पड़ेगा, कल, यानी कल है 18 तारीख से 22 तारीख, यानी 4 दिन का समय है काउंसिलिंग खत्म। ये 4 दिन में काउंसिलिंग खत्म, 23 तारीख को आपको जो एक बार एडिट करने का मौका दिया जाएगा अगर आपने गलत किया है तो। देखिए कल वैसे हम दिखाएंगे कैसे क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कैसे काउंसिलिंग होगा नहीं होगा सब दिखाएंगे हम, चिंता मत। जिसको भी काउंसिलिंग करवाना हमसे, हमारे से संपर्क करें, नंबर स्क्रीन में चल रहा देख रहे हो, 8580393036 में संपर्क करें, एस के दीवर हमारा नाम, और व्हाट्सएप में है आपका काम, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, ये इश्यू ऑफ प्रोविजनल सीट रिलेटेड आपको 25 तारीख जारी करेगा, जो आप ले लेकर डॉक्यूमेंट जाके एडमिशन करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन देगा भाई। पहले तो आप ये डेट को रखो, और एडमिशन आपका संपन्न हुआ आप 26 से 30, यानी 30 अक्टूबर तक आपका एडमिशन खत्म, और आप अब क्लास के लिए एलिजिबल हो, जाके कर सकते हैं। आईएनसी ने कहा था 30 अक्टूबर से पहले करना, कर दिया 30 अक्टूबर से पहले। मैं फिर से कह रहा था आपको कि 30 अक्टूबर से पहले होगा, तो हो गया, ओके। अब रही बात कि सर कैसे क्या करेंगे सर, हाँ सर हम हैं, आपको बस पैसा जोगाड़ करके रखना है। देखो यहाँ पे हमारे टीम कल बैठे रहेंगे काउंसलिंग करने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे 400 रुपया किसके लिए लग रहा है, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी1 बीसी2 के 400 लगेगा काउंसलिंग। जितने बार काउंसलिंग करेंगे उतने बार आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी, अगर लड़की होगी तो उनको 250 रुपया, लड़की लोगों को 250 रुपया, बाकी अगर लड़का होगा तो उनको ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है, 400। ये था काउंसलिंग का फी, और बाकी ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे 100 रुपया 50 रुपया जो भी लेगा वो लेगा अपना, है ना। तो कल देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, बाकी जो भी काउंसलिंग करना चाहते कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ बताया गया। एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग का जो है आप रिजल्ट लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं, विकल्प में भरने पर्याप्त कोई प्राप्त नहीं छोड़िए, आज अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि सीटों का आवंटन अधिक से अधिक विकल्प करें, तो सब बताएंगे हम लोग काउंसलिंग करने के लिए आपको कैसे करना है। आप अधिक से अधिक जितना भी कॉलेज चूज कर सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को ही दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा, है ना। कल तो दिखाएंगे जी आपको, लाइव में करेंगे आपका काउंसलिंग, दिखाएंगे आपको, है ना। और ये देखिए, ये वाला काउंसलिंग नोटिस आपको दिखाना था, ये डेट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो मेरे साथ मिस हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो बिल्कुल मिस ना होना चाहिए आपका, मैं बता रहा हूँ, है ना।
अगर आपको हमारे चैनल पसंद नहीं है फिर भी आप कुछ दिनों के लिए पसंद जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए और आके हमारे साथ जुड़ के रहिए और जो भी है आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। काउंसलिंग का वैसे जो है आ गया है, अब आपको रिजल्ट सेल्फ लर्न रिजल्ट भी आपको देख दूंगा और एक एक वीडियो जितने भी वीडियो होंगे सभी वीडियो आपको देखना है, तभी ना आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जिसका भी हुआ जिसका नहीं हुआ वो अगले साल के लिए तैयारी करें, और बाकी लोग जो है हमारे साथ शुरू से तैयारी कीजिएगा। तो अगले साल जून में एग्जाम होगा, आप लोगों का पक्का सिलेक्शन मैं दूंगा, ये मेरा वादा है। इस साल का सिलेक्शन जो टॉप वन रैंक में जो आई है ना बच्ची, वो टैक जो सचिता कुमारी, वो टॉप रैंक वन में आई है, ठीक है। इस बार आप लोग भी पढ़िए, देखिए बहुत सारे अभी दिखाएंगे स्टूडेंट को आपको, क्योंकि अभी समय की कमी है इसलिए हम नहीं दिखा सकते, सिलेक्शन करके जब बच्चे लोग इंटरव्यू लेंगे तो आपको दिखा देंगे, ठीक है ना, कौन कहां से पढ़िए क्या नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए जो भी करना चाहते हैं आप लोग हमारे साथ मिलकर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।